दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डनिंग की शुरुआती जो हमें जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए वो सारी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे रामविलास जी, जिनका लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है और गार्डनिंग में बहुत ही नाम है इनका और ज़बरदस्त गार्डनिंग जो है लोगों को सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त गार्डनिंग करते हैं। तो चलिए रामविलास जी से जान लेते हैं कि किस तरीके के हमारे गमले होने चाहिए जिन्हें हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो रामविलास जी आपका स्वागत है हमारे ओसम गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हम किस तरीके से गमलों का चुनाव करें कि हमारे पौधे ज़्यादा अच्छे से अच्छे ग्रो कर सकें। तो आप कंप्लीट जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल मैं देता हूँ जी। नमस्कार सभी मेरे प्रकृति प्रेमियों को, पौधा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानकारी जो देंगे आपको वो ABC गार्डनिंग की ABC से स्टार्ट करेंगे हम। बीच में से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो गार्डनिंग की ABC क्या है, स्टार्टिंग जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। और जीरो लेवल में क्या आता है दोस्तों, कि जो जीरो लेवल में है सबसे पहले आता हमारा गमला। मतलब हम गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं या ज़मीन में कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों में गमले की हम पहले देखते हैं। ज़मीन में तो कोई भी कर लेता है और उसके न्यूट्रिशन की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आता गमला। तो गमला कैसा लें कि जिसमें हमारा पौधा जो है पूरा न्यूट्रिशन देने के बाद सही से सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए गमला होना चाहिए। सबसे पहला नंबर जो आता है गमलों में वो मिट्टी का गमला, सॉयल मोल्ड का, जो मतलब मिट्टी का गमला जो पकाया हुआ है वो गमला आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है वो है जो सेरामिक पॉट होती हैं। तीसरे नंबर पे आती है प्लास्टिक पॉट्स। और चौथे नंबर जो है उसका वो आता है आपका जो सीमेंटेड। सीमेंटेड में बहुत ही मुश्किल से पौधे सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि सीमेंट आपको पता होगा कॉन्क्रीट जो है हीट को रिटेन करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट डबल हो जाती है उसकी। जैसे आपकी छत है कॉन्क्रीट की और सपोज करो कि 40 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है तो वैसे ही वो 45-50 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा हीटअप होकर के। तो इसी तरह से गमलों में भी होता है। तो सबसे पहली बात हमारी आती है सर मिट्टी के पॉट की। मिट्टी के पॉट में क्या करना है आपको कि मिट्टी का पॉट जो पका हुआ मिट्टी का पॉट है वो लेना है। और मिट्टी के पॉट को पेंट करते हैं कई लोग, वो भी एक बड़ी गलती है। पेंट कभी भी ऑयल बेस्ड पेंट नहीं करना चाहिए मिट्टी के पॉट पे। मिट्टी के पॉट में सिर्फ वाटर वाला पेंट जो पानी मिला के किया जाता है वही पेंट करना चाहिए ताकि आपके जो इसके पोर्स हैं जो सांस लेता है गमला, जैसे मटके में होते हैं पोर्स, तो वो पोर्स उससे क्लोज नहीं होता वाटर वाले से। तो वाटर वाला पेंट हमने देखो किया हुआ है और बिल्कुल बढ़िया सर्वाइव कर रहा है। अब डिफरेंस मैं आपको दिखाऊं कि ये मिट्टी के गमले में और जो प्लास्टिक के या हमारे खिड़की दरवाजों पे घर में किया जाता है उसको कर देते हैं, उससे इसके पोर्स बंद हो जाते हैं, फिर वो गमलों में हवा नहीं जा पाती, मतलब जो हीट हो रही है वो हीट बाहर निकल नहीं पाती है, जैसे कि कॉन्क्रीट के गमलों में होती है। कॉन्क्रीट के गमलों में क्या होती है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और डबल हीट कर देता है गमले के अंदर, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ हमारी नहीं हो पाती है। तीसरा हमने आपको कहा है सेरामिक। सेरामिक गमला अच्छा है बट मिट्टी से कम अच्छा है। ये सेरामिक गमला जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर रखने के लिए सुंदरता इसकी बहुत गजब की होती है। मिट्टी का गमला रखे हुए आपके ड्राइंग रूम में जहाँ पे लाखों रुपए का सोफ़ा लगा हुआ है तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो उसके साथ ये सुंदरता है। लेकिन इसकी क्या खासियत है कि आप इंडोर में तो इसको रख सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा और देख भी रहे हैं कि आप पौधा उगा हुआ है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक छोटे से पौधे के अंदर ये मनी प्लांट है लगा हुआ है, इंडोर रहने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेकंड नंबर मैंने इसका डाला, सॉरी दूसरे नंबर पे ये आपका सिरामिक पॉट आ जाता है। तो सिरामिक पॉट में भी अगर धूप में नहीं है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तीसरा हमारा आता है वो है प्लास्टिक का गमला। प्लास्टिक का गमला देखो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, किसी भी तरीका का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि जो मिट्टी के गमले में इतना बढ़िया चल रहा है, सीमेंट के गमले में पौधे की ग्रोथ जो है वो कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं छोटा रह गया। रीज़न यही है कि इस टाइम तो फिर भी सर्दियों में आपका ये सही चल जाएगा जो ये सीज़न है, लेकिन गर्मियों में अगर कोई पौधा इसके अंदर लगाएंगे सीमेंटेड गमले में तो वो क्या होगा कि हीट पड़ने की वजह से अंदर हीट ट्रैप हो जाएगी और वो हीट करके इसकी जो रूट्स होती हैं पौधों की वो बॉयल हो जाती हैं। कुछ एक पौधे हैं जैसे कि आपके पीपल, बड़ के जो अपना
बोनजाई है या पाम है, इनकी जड़ें जिनकी हार्ड होती है वो तो चल जाएगा फिर भी, लेकिन जो नाजुक जड़ों वाले पौधे हैं वो गर्मियों में आप कोशिश ना करें लगाने की। नहीं तो क्या होता है कि आप तो पौधा लगाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, पौधा आपका चलता नहीं या मर जाता है। आपको बात समझ में नहीं आती है और फिर आप परेशान होते हैं कि भाई क्या हुआ, हमने तो सब कुछ दिया था। पूछते भी हैं, हमने गोबर का खाद भी डाला था जी, हमने बर्मी कंपोस्ट भी डाला था, फिर भी पौधा नहीं चला। तो पौधा क्या करे, अंदर से जब हीट इतनी हो जाएगी तो रूट्स उसकी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, मर जाती हैं। तो ये बात हुई। और तीसरा हमारा जो नंबर पे आता है वो है प्लास्टिक का। प्लास्टिक का गमला अपने आप में ठीक है, मतलब एक तो कमर्शियल जाएँ तो बहुत मतलब कम रेट का होता है, दूसरा क्या है कि इसको ईज़िली आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है किसी भी दुकान में। मिट्टी का पॉट थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी कम है। तो प्लास्टिक का गमला जो है सर्दियों में तो आपका चल जाएगा, जैसे कि आपका सीजनल प्लांट लगाते हैं अगर सितंबर से, जब से बरसातें होती हैं, मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस टाइम में चल जाता है। लेकिन फिर भी मिट्टी जैसी ग्रोथ प्लास्टिक के गमले में नहीं आएगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लगा हुआ है हमारे इसके अंदर, ये दोनों ही 8 इंची गमले हैं। इसमें देखेंगे दो टहनी निकली है पौधे की, और इसके अंदर आप ये देख लो कि फ्लावरिंग अल्टीमेट, पौधा वही है सेम, एक पौधा लगाया गया है लेकिन इसका इतना फ्लावरिंग, तो मिट्टी के गमले में और इसमें न्यूट्रिशन दोनों में सेम है। मिट्टी आप देखेंगे दोनों के अंदर सेम है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी गार्डनिंग सफल नहीं हो पाती है। तो आपने क्या करना है, प्रेफर करना है कि मिट्टी का गमला लेना है, और मिट्टी का गमला लेना है तो उसमें पेंट जो है ऑयल बेस नहीं करना है, एनामल पेंट नहीं करना है आपको, पेंट करना है हमेशा वाटर बेस, जो एक्सेल पेंट होता है वो कर लो तो 3 साल में एक बार करेंगे और गमला आपका सेफ रहेगा। ये जो गमला आप देख रहे हैं पिछले 15 से 17 साल से गमला यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये गमला देखो आज भी एज इट इज़ है, जबकि प्लास्टिक का गमला भी इतने टाइम में आपका धूप बारिश लग के ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कुल मिला के हम देखें तो जो हमारे मिट्टी के गमले हैं वो हमारी गार्डनिंग के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है, क्योंकि हीट ट्रैप नहीं होती। दूसरा बात, दूसरा क्या है, ग्रीन इफ़ेक्ट, इसका कोई नुकसान नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर को, तो ये बहुत मिला के अच्छा है। तो ये जो गार्डनिंग करने जाएं तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें, जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ गार्डनिंग इज़ सिलेक्शन ऑफ पॉट्स या गमलों का चुनाव। तो गमलों का चुनाव कैसे करें, ये हो गई। अब अगले मैं आगे बताऊँगा, अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारा जो इसके अंदर मिट्टी डलता है, जो कि इसका बैकबोन है, गमला तो आपने ले लिया लेकिन मिट्टी जो है वो मिट्टी अगर सही नहीं है आपकी तो वो फिर आपका क्लियर नहीं होगा, मतलब पौधा चलेगा नहीं।